भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों पंजाब विच बिगड़ रही कानून व्यवस्था के खिलाफ पंजाब भर विच पंजाब सरकार खिलाफ अर्थी फूक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस दे तहत फगवाड़ा विखे जिला प्रधान भाजपा युवा मोर्चा सोनू रावलपिंडी ते भाजपा पांच स्टाफ मंडल के प्रधान गगनदीप सोनी की अगवाई विच रेस्ट हाउस फगवाड़ा तो रोस प्रदर्शन किया गया, जो लाइटांवाला चौंक जीटी रोड विखे समाप्त होया, जिथे कि समूह भाजपा वर्कर ने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ते राघव चड्ढा दे पुतले फूके ते जम के नारे जी की थी। इस मौके से गलबात करदे भाजपा नेता अवतार सिंह मंड ने आख्या कि भाजपा पार्टी के आदेशों मुताबिक ही यह पुतला फूक प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि ढाई महीने की सरकार दौरान बहुत सारे कतल हो चुके हैं, पर पंजाब सरकार प्रति लोगों का विश्वास उठ चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे गंभीरता नाल सोचना चाहिए है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पंजाब सरकार इन्हों मुद्दों से गंभीर ना हुई तो उन्होंने वालों संघर्ष को तेज किया जाएगा। अज भारतीय जनता पार्टी पंजाब के दिशा निर्देशों के अनुसार फगवाड़ा के अंदर युवा मोर्चा प्रधान सोनू रावलपिंडी, उन्होंने साथी गगन सोनी जी, परमजीत सिंह चाचोगी जी, टिब्बी साहब और होर सारे साथी साढ़े जनरल सैकटरी पावा साहब और सारे ही साथियों लैके अच्छ बड़ी बड़ी तादाद लैके अच्छ एक पुतला साड़िया गया और ये पुतला जोड़ा पंजाब सरकार की जी नाकामी आनू लेके साड़िया गया, क्योंकि जद ही ये ढाई महीने की सरकार बनी आ और जिन्हें दिन आनू मल्टीले टू करके देख लीए तो उन्हें कतल हो गया पंजाब के अंदर, ये कतलोगार आजादी इस सूबे के अंदर वधी आ और उदों तो लैके हुण तक जिहड़ा लोगों के विश्वास आ इस सरकार के प्रति उठ गया आ और इत्थे अज लोग कोई भी रहना नहीं चाहता, ना कोई पैसा इनवैसट करना चाहता और जिहड़े इत्थों के वासी आ वो इत्थों प्लान करके विदेशों के विच जा रहे आ। सो ये बहुत बड़ी सूबे नूं मैं समझदा सैटबैक हैगा आ और सरकार नूं इहदे बारे गंभीरता नाल सोचना चाहीदा, नहीं तां आउण वाले दिनां दे विच इदां दे प्रदर्शन जिहड़े आ होर पंजाब अंदर उग्र होणगे और इन्हां हालातां नूं काबू करन दे विच फिर एक दिन जिहड़ी आ पंजाब सरकार असफल हो जाऊगी। सो अज बड़ा वड्डा इन्हां ने उपराला करके युवा मोर्चा ने और उन्होंने साथियों ने अज पुतला साड़िया आ और इदां ही आने वाले दिनों के भी ये मैं समझदा जतनशील रहणगे। उधर इस संबंधी गलबात करदे रजीव पावा ने आख्या कि पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण पंजाब में गोलियां मारन दी घटनावां वापर रही हैं, जिसनों रोकने लिए पंजाब सरकार नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पंजाब में अमन शांति को बहाल रखने लिए पंजाब सरकार दोषियों खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करे। ये अभी प्रोटेस्ट किया है, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों ये प्रोटेस्ट सारे पंजाब किया जा रहा है, जो कि पंजाब जदों की आम आदमी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद रोज़ ही बदअमनी कतल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां के कतल हो रहे हैं और जिदे जिस तरह अमृतसर मोहाली के भी हमने कल परसों काम होया गोली चली और आम आदमी पार्टी के पार्षद का हाथ किया गया, इस तो लगता है सब इन प्रयोजित काम कर रहा चल रहा पंजाब नूं फिर उसी तरह जो अस्सी वेले का बुरा दौर से वह ना देखना पवे उस दे विच भारत उस भारतीय जनता पार्टी सारे पंजाब विच इस तरह प्रोटेस्ट करती रहेगी और भगवंत मान सरकार नूं जगाएगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर से नत्थ पावे और इस तरह के जिहड़े गुंडा अंसर है उन्होंने नत्थ पावे। धन्यवाद।